मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर किसानों को दिग्भ्रमित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार बनाने के लिए कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के जरिए कितना झूठ बोल सकती थी, किसानों को जितना दिग्भ्रमित कर सकती थी उतना कांग्रेस ने किया। अब मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष थे तब, और टीएस सिंहदेव नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस ने हाथों में गंगा जल लेकर वादा पूरा करने की कसम खाई थी। अब घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह करने की बात करते हैं। 2 साल का बोनस तो आपने अपने जन घोषणा पत्र में प्रमुख बिंदु बनाया था कि सरकार बनते ही हम 2 साल का बोनस देंगे। 2 साल का बोनस के लिए अब पीछे का रास्ता देख रहे हैं। एक बार जनता के सामने हाथ जोड़ के कसम खा लें और गंगा जल को वापस उल्टा रखने हाथ में और बोले हैं कि भाई हमने गंगा जल की कसम झूठी खाई थी, अब हम इस कसम को उतारते हैं, हम वो 2 साल का बोनस नहीं देंगे, इतना बोल दें बस पर्याप्त हो जाएगा सब। राजगढ़ जिले के बूढ़ा नगर में